पहला गियर हमारा गया 108 और अभी भी उसमें कैपेसिटी थी। ये वो इंजन है जो कि होंडा का कमाल है। अगर मैं बात करूं माइलेज की, अभी पांचवे गियर में है। इसी पांचवे गियर पर जो है मैं इसको 20 तक ले जा सकता हूं और 20 से जो है सीधा 150-200 तक ले जा सकता हूं। दोनों की तरह के पेट्रोल इसमें हम यूज कर सकते हैं। ये बाइक जो है एक तरीके से फुल पैकेज है आपके लिए। नया दिन, नया व्लॉग, नई वीडियो, नई मशीन के साथ। नई मशीन नहीं है, इस मशीन को मैंने दिखाया बहुत है मगर अभी तक जो है मैंने इसका रिव्यू नहीं दिखाया। मैं चाह रहा था थोड़ा इसको चलाऊं, चलाने के बाद जो है मैं इसको आपको थोड़ा दिखाऊं कि हाँ ये मशीन असल में इसका रिस्पांस कैसा है, और चलाने के बाद जो है ना अब इसका मैं आपको एक रिव्यू दूंगा, यूजर रिव्यू, कि हाँ ये मशीन कैसी है। चले स्टार्ट करते हैं अपनी फेवरेट होंडा CBR650R। बाइक ऐसी है कि जिसके लुक के ऊपर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। 650 सेगमेंट में मुझे लगता है कि ये अभी तक जो है बेस्ट लुकिंग बाइक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कावासाकी, तो कावासाकी के पास जो है ZX6R अभी लॉन्च हुई है, मगर वो जो है इसका कंपैरिजन उससे नहीं करूंगा। उसका कंपैरिजन अगर मैं करूंगा तो वो करूंगा होंडा से। स्टार्ट करता हूं इसका रिव्यू कि कैसा है कैसा नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं पास से, दिखाता हूं इसमें इसके थोड़े स्पेक्स और करीब से दिखाता हूं बाइक को। चले स्टार्ट करते हैं इसके इसकी स्क्रीन से। ये स्टार्ट होने वाला एक काफी जो है ना मिनिमलिस्ट इसकी स्क्रीन है। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, अपना गियर शिफ्टिंग स्पीड टाइम किलोमीटर्स वगैरह, और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल ABS इंजन ऑयल और टॉर्क कंट्रोल का ऑप्शन। ये काफी लोगों को लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल है मगर ये ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ये हमारा इधर स्विच है जो कि है टॉर्क कंट्रोल। ये देख रहे हैं इस टाइम मैंने जो है पूरा टॉर्क इसका ओपन कर दिया है, इसमें मैं पूरा टॉर्क यूज कर सकता हूँ और इसको ऑफ करने पर ये मेरा टॉर्क लिमिटेड हो जाएगा। इधर हमारे पास है ऑन ऑफ स्विच, सेल्फ स्टार्ट, अप एंड डाउन बीम्स, टॉर्क कंट्रोल और ये इंडिकेटर्स, हॉर्न, क्लिप ऑन्स है, हैंडल है हमारे पास। इधर हमारे पास की आ जाती है। 15.5 लीटर का हमारा फ्यूल टैंक है जो कि E5 और E10 जो है हमारे पास दोनों की तरह के पेट्रोल इसमें हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास रियर शॉकर जो है वो 7 स्टेज एडजस्टेबल आ जाता है जो कि 30 से 35 mm तक की हाइट जो है हमें एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है। इधर जो है हमारे पास ये वो इंजन है जो कि होंडा का कमाल है, जो कि इस बाइक का सबसे बड़ा रीजन है, एक रीजन इस बाइक को बेस्ट बनाने का, जो कि बहुत स्मूथ है। ये हमारे 4 सिलेंडर्स। इधर फ्रंट में हमारे पास रेडिएटर आ जाता है, काफी सही। साइड मिरर्स जो है वो थोड़े से सिंपल है मगर विजिबिलिटी काफी प्यारी है। इधर ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये निशान जो आया हुआ है, ये मैंने इसमें सीट कॉइल जो आते हैं पीछे के वो लगा दिया था और उसकी वजह से ये मेरा स्क्रैच हो गया जो कि मैं आगे यूज नहीं करने वाला। इंडिकेटर्स काफी नॉर्मल है इसके, काफी सिंपल है। कुल मिला के जो बाइक का लुक है वो काफी एग्रेसिव है। ये चीज देख रहे हैं सामने का जो फ्रंट लुक है इसका, ये कितना जबरदस्त लगता है जब ये यहाँ से इस तरीके से ये इन्होंने एरोडायनेमिक्स डिजाइन किए हैं इसके। और ये बाइक जो है ना इस पे ज्यादा अभी मैंने कोई भी एसेसरीज यूज नहीं करी मॉडिफिकेशन के लिए, जो कि है पूरी सिर्फ ये टैंक पर पैड्स मिल जाएंगे जो कि स्क्रैच गार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं। पूरी बाइक जो है वो बाय डिफॉल्ट ऐसी ही आती है। फ्रंट ब्रेक्स जो है हमारे डुअल डिस्क विद 4 पिस्टन रेडियल माउंट निसिन हाइड्रोलिक कैलिपर्स हैं, और रियर में जाऊं तो मैं सिंगल 240 mm का 1 पिस्टन हाइड्रोलिक कैलिपर ब्रेक्स लगा हुआ है। मोस्टली हमारे पास जो है सुपरवाइजर ब्रेम्बो के आते हैं, इसमें नहीं है। 207 kg का हमारा वेट है बाइक का। अगर मैं बात करूं माइलेज की, तो ये बाइक जो है 15 के आसपास का इसका माइलेज देती है, इससे ऊपर नहीं है। कभी बोलता है 20 और ज्यादा तो वो सब झूठ है, 15 से ऊपर का माइलेज नहीं देती। बाइक बहुत स्मूथ है, पिरेली के टायर्स लगे हुए हैं, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, पावर टू वेट रेशियो जो है बहुत प्यारा है, लुक बहुत प्यारा है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा इसको बाइक को, राइड कराता हूं मैं। हालांकि जितने एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया वो बताने के लिए काफी था, मगर फिर भी इसके साउंड के साथ जो है मैं थोड़ा सा आपको इसका फील देता हूं ऑन रोड। अगर मुझे रोड मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका आपको दिखाऊं कि इसके फर्स्ट गियर सेकंड गियर की लिमिट कितनी है। इस बाइक का कंट्रोल इतना प्यारा है कि अगर आपने अभी तक क्रूज बाइक्स चलाई है और नेकेड बाइक्स चलाई है और स्पोर्ट्स बाइक आपने नहीं चलाई है ज्यादा, उसके बावजूद भी जो है ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल फील होती है। फर्स्ट राइडर्स के लिए भी, जो बिल्कुल नए राइडर्स हैं उनके लिए भी ये बाइक काफी कंफर्टेबल और काफी इजी टू हैंडल बाइक है, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत प्यारी है, पावर टू बॉडी वेट रेशियो जो है बहुत ही प्यारा है, टायर की ग्रिपिंग बहुत अच्छी है,
और पावर जो है बहुत कंट्रोल्ड है और इंजन तो है ही स्मूथ। फोर सिलेंडर इंजन का साउंड बहुत प्यारा है कि आप जब बैठते हैं तो आपको एक्सेलरेट ही करने का मन करता है सिर्फ आवाज सुनने के लिए। मौसम बारिश का होने वाला है, तकरीबन हो गया है, बारिश ना हो जाए बस। राइड करते हुए जब इंडिकेटर्स वगैरह के स्विच देते हैं तो ये कंट्रोल भी जो है, इसके स्विचेस जो है हाथ के बहुत पास है, कोई दिक्कत नहीं होती है, काफी कंफर्टेबली जो है ये एडजस्ट हो जाते हैं, हम ऑन ऑफ कर देते हैं। क्लच जो है हमारे पास इसका काफी स्मूथ है। अगर इसमें क्विक शिफ्टर होता तो ये और अच्छी बात होती, क्विक शिफ्टर कंपनी नहीं देती है इसमें। ब्रेक्स हमारे बहुत प्यारे हैं जो कि मोस्टली सुपर बाइक्स में जो है ब्रेम्बो मिलते हैं, इसने ब्रेम्बो यूज नहीं किया मगर ये ब्रेकिंग जो है वो काफी अच्छी है। ये बाइक जो है एक तरीके से फुल पैकेज है आपके लिए कि आप अगर चाहें इसको डेली राइड के लिए यूज करें वो भी कर सकते हैं, आप चाहे लंबे टूर पे जाना तो वो भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे इसको ऑफ रोडिंग करना तो वो नहीं कर सकते हैं, माफ करना। बहुत ही अच्छा कंट्रोल, राउंड्स पे बहुत कॉन्फिडेंट ग्रिपिंग। इसमें एक सबसे अच्छी बात जो है ना, काफी स्मूथ है, वो है इसकी गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ है। दूसरा, मैं इसको जो है ना, ये मान ले कि अभी पांचवे गियर में है, इसी पांचवे गियर पर जो है मैं इसको 20 तक ले जा सकता हूं और 20 से जो है सीधा 150-200 तक ले जा सकता हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी झटका महसूस नहीं होगा। देखिए मैं इसको पांचवे पे ही चला रहा हूं, पांचवे पे ही 100 पे 110 पे लेके जाऊंगा और पांचवे पर ही जो है मैं इसको टर्न करता हूँ और इसका आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये इंजन कितना स्मूथ है। इस राउंड कट पे जो है मैं इसको पांचवे गियर पे लेता हूँ और देखिए स्पीड हमारी 30 के अराउंड, पूरा बहुत स्लोली हम जा रहे हैं और कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने बहुत ही बड़ा गियर डाल रखा है, बहुत ही कम स्पीड में, और यही गियर हमारा 200 तक जा सकता है। चले मैं दिखाता हूँ इसका पहला गियर कितना जाता है। पहला गियर हमारा गया 108 और अभी भी उसमें कैपेसिटी थी मगर हमारा रास्ता खत्म हो गया था। अच्छा, इस बाइक की सबसे अच्छी बात ये है कि फोर सिलेंडर है और हीटिंग जो है इसकी बहुत कम लगी मुझे, बिल्कुल भी बाइक जो है ना गर्मी के अंदर परेशान नहीं कर रही है। बाकी अभी गर्मी का मौसम आएगा तब इसका पता लगेगा और ज्यादा, तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको एशिया की गर्मी में ये कैसा रिस्पॉन्स देती है। ये बाइक जो है स्पोर्ट्स टूरर, एग्रेसिव लुक्स, बेस्ट इंजन कह सकते हैं होंडा की तरफ से 650cc में। बहुत अच्छी पावर, बहुत अच्छा कम्फर्ट, बहुत अच्छा साउंड, बहुत अच्छा लुक, इसको आप कह सकते हैं कम्प्लीट पैकेज है। इसको लेके आप लंबा भी निकल सकते हैं, लोकल भी चला सकते हैं, एज अ डेली राइड के लिए भी यूज कर सकते हैं इस बाइक को, क्योंकि इसका वेट जो है, हमने अभी डेटोना जिसका मैं फुल कंपैरिजन लेकर आऊंगा इसके साथ जो अभी नई लॉन्च हुई है डेटोना 660, उससे इसका वेट थोड़ा सा ही ज्यादा फर्क नहीं है। उसका वेट 205 kg है और इसका जो है वेट 207 kg है। हालांकि वो इससे लाइट है मगर ये बाइक जो है फोर सिलेंडर में है और इस बाइक के कंपैरिजन में अगर वो बाइक है तो हम चलाकर देखेंगे और नेक्स्ट वीक मैं उसका एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कि डेटोना के कंपेयर में ये बाइक कैसी है, और क्योंकि उसका इंजन ही बहुत ही प्यारा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मशीन के साथ, चले।